नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। महिलाओं की सुरक्षा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा अगर महिलाओं को दोहराए पर छेड़ा गया तो अगले चौराहे पर यमराज तैनात मिलेगा। जाहिर है योगी आदित्यनाथ ने जब से सूबे की कमान संभाली है लगातार महिला सुरक्षा को लेकर सख्त फैसले लेते रहे हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन इसी मकसद से किया गया था। जाहिर है 2022 में सीएम योगी दोबारा फिर सत्ता में आए उसकी एक बड़ी वजह महिलाओं की बेहतर सुरक्षा व्यवस्था रही है। बहरहाल सीएम योगी का ये बयान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मंचलों के बीच बड़ा खौफ पैदा करेगा। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलते हुए किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि बहन बेटी को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करेगा। तो मुख्यमंत्री की ये चेतावनी है। तो साथ ही आपको बता दें कि ये मुख्यमंत्री गोरखपुर में थे और गोरखपुर में मानसरोवर रामलीला मैदान में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से कड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बहन बेटी को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करेगा। तो अब मंचलों की खैर नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील नजर आते हैं और अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री का यह बयान सामने आता है। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जाता है कि बहन बेटी को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करेगा। योगी जी का राज आया है, जब से महिलाएं जो है अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं, किसी भी वक्त घर से निकल जाती हैं, कोई उन्हें डर नहीं रहता और अपने आप को बहुत महफूज समझती हैं। पहले कभी रात रात में जाने में डरती थी औरतें, लेकिन अब उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। जब से उन्होंने कानून बनाया है कि कोई महिला को छेड़ेगा तो उसको ये जरूर इल्जाम में रखा जाएगा। मैं हूँ, आज के टाइम पर हमारी महिलाएं जो थी वो 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाती थी और मैं इतना सेफ अपने आप को फील करती हूँ कि 12 बजे भी मैं बाहर जा सकती, अकेले सामान लेके आ सकती हूँ और जा सकती हूँ। तो मैं यही कहूंगी योगी जी की सरकार में कि जो बयान आया है उनका कि लड़की को छेड़ा दौड़ाया फिर आगे मिलेंगे यमराज जी, तो वो बहुत अच्छा वाला बयान है उनका और मैं चाहूंगी कि ये सरकार उनकी रहनी चाहिए। 9 बजे के बाद जा ही नहीं सकती थी बाहर और आज 12 बजे रात को कोई भी काम होता है तो लड़कियां महिलाएं हमारी खुद जा सकती हैं, यहाँ और भी महिलाएं बेटी यहाँ बात कर सकती हैं उनसे, वो कितना सेफ है। योगी जी की सरकार है, हम सुरक्षित हैं, कभी भी अपने घर से किसी वक्त भी निकल जा सकते हैं। जैसे पहले बताया जाते थे काफी छेड़छाड़ होती थी, काफी लोग छेड़ते थे लड़की, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो गोरखपुर में मानसरोवर रामलीला मैदान में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा बयान दिया है और साफ तौर पर महिला सुरक्षा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खासा फोकस देखने को मिल रहा है। तो महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही संवेदनशील नजर आते हैं और अब एक और फिर से मुख्यमंत्री का यह बयान सामने आता है महिला सुरक्षा को लेकर, जिसमें वो साफ तौर पर कहते हैं कि बेटी बहन बेटी को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करेगा। तो मुख्यमंत्री की यह चेतावनी उन मंचलों को है जो लगातार जिस तरीके से खबरें भी सामने आती है कि बहन बेटियों को छेड़ने की तस्वीरें सामने आती है, उन पर साफ तौर पर मुख्यमंत्री की चेतावनी अब देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ कानून व्यवस्था बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम करते हुए उत्तर प्रदेश में नजर आ रही हैं और देखिए जिस तरीके से अब तस्वीर भी सामने आती है उत्तर प्रदेश की, जहां पर बेटी आम महिलाएं आसानी से घर से बाहर निकल सकती है, अपने कामकाज कर सकती है, जो कि ये तस्वीरें पहले आम तौर पर देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन ये तस्वीर अब बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से प्रदेश की कमान संभाली है उसके बाद से ही एक तस्वीर अलग से नजर आती है उत्तर प्रदेश की। तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान महिला सुरक्षा को लेकर, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बहन बेटी को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज नजर आएगा।
तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम करते हुए नजर आ रही हैं, और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री लगातार निर्देशित करते हुए भी नजर आते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ बनाना है। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा देती हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता है रूपा पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, और साथ ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट है बरखा त्रेहन जी। बरखा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रूपा पांडे जी आपके पास आऊंगी। देखिए मुख्यमंत्री का बयान आपने भी सुना कि बहन बेटी को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा नजर आएगा, तो किस तरीके से आप इस बयान को देखती है? अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र जिस तरीके से किया जाता है कि पहले की सत्ता में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किस की तस्वीर सामने आती थी, और जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है उसके बाद की जो तस्वीर है वो किस तरीके से देखने को मिल रही है? मैं आपने म्यूट किया है फोन, प्लीज अनम्यूट कर दें। चलिए ठीक है, आपके पास मैं फिर से लौटूंगी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बरखा मैम आपके पास आऊंगी। देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री का ये बयान आपने सुना कि बेटी बहनों को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज नजर आएगा, तो किस तरीके से आप इस बयान को देखती है? उत्तर प्रदेश की जो छवि है जो पहले थी और अब की जो छवि है महिलाओं को लेकर वो किस तरीके से देखने को मिलती है फिलहाल अभी? मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं प्रयागराज से हूँ और उत्तर प्रदेश अभी हाल में ही गई थी, तो उत्तर प्रदेश की जो छवि है योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद बहुत बदली है, कि मैं खुद कह रही हूँ क्योंकि मैं वहां बहुत साल, मैंने पूरा बचपन अपनी पूरी पढ़ाई वहां से की है, और अभी मुझे दिखता है कि लॉ एंड ऑर्डर काफी अच्छा है, लोगों के अंदर भय है, तो अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया है उन्होंने तो ये सिर्फ और सिर्फ इन मंचलों के जी मन के अंदर भय लाने के लिए किया है कि कोई इस तरीके की छेड़छाड़ अगर करी तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। अभी आप देख सकते हैं इसी अगर आप देखिए कि ये जो छोटी बच्ची के साथ जो उसके साथ हुआ है मोलेस्टेशन और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, ये कितनी दुखद है, लेकिन वही पुलिस वालों ने उनके साथ क्या किया जी। आपने वो भी देख लिया है, अब आजीवन काल के लिए मोटरसाइकिल पे बैठ नहीं पाएंगे, ना किसी लड़की को छेड़ने की सपने में भी सोच पाएंगे, तो एक प्रेसिडेंट सेट करने की कोशिश की जा रही है कि मंचलों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि सजा कोर्ट के द्वारा ही मिलती है, तो हमारा कोर्ट का जो सिस्टम है फास्ट ट्रैक जो कोर्ट्स है उनको ज्यादा काम करना चाहिए और जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ऐसे केसेस में, क्योंकि आपने देखा होगा हाल में निकिता तोमर को मार दिया गया था डेलाइट में, वो अभी तो दिल्ली के पास का ही मौका था। ऐसे अनगिनत केसेस हैं, अभी और कितने ही हैं, इसमें एड ऑन तो बहुत है, हजारों केसेस हो चुके हैं, लेकिन क्या उनको फांसी की सजा हुई है? श्रद्धा का मर्डरर आज भी तिहाड़ जेल में बिरयानी आराम से खा रहा है, श्रद्धा के बाद और साहिल आ गया जिसने एक लड़की को पत्थरों से कूट कूट के मार डाला, तो क्या उसको अंजाम दे पाए हम? ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं बचाने, इनके इतने सारे क्रिमिनल लॉयर्स खड़े हो जाते हैं जो इन मर्डरर्स को बचाते हैं, या जो पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे लोगों को संरक्षण देती हैं वो उनके बचाव में उतर आती हैं, कोई सिलाई मशीन दे देता है उनको बढ़ावा देने के लिए, तो ये सब चीजें रोकनी होगी। बेटियां सबकी साझी होती है, मिनिस्टर कोई चीफ मिनिस्टर कहीं का भी हो, उन सबको मिलकर बेटियों की सुरक्षा पे एक सुर पे काम करना पड़ेगा, ये नहीं सोचना पड़ेगा। अच्छा आप देखिए इसमें क्यों सिर्फ यूपी से ही एक बयान आया है हमारे योगी आदित्यनाथ जी का, बाकी मिनिस्टर्स को भी आगे आकर के ऐसे बयान देने चाहिए जिससे कि एक डर और खौफ का माहौल पैदा हो, कैसे पैदल बच जाए जिसने इस घटना को अंजाम दिया, कैसे अरबाज बच जाए, अगर अरबाज को आप फांसी के तख्ते पे लटका दीजिए तो देखिए क्या होगा। तो अक्सर हम ये देखते हैं ये बच जाते हैं, तो इनसे इनका हौसला बढ़ता जा रहा है, ये और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और लड़कियों को मरने पे मजबूर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर वीडियो वायरल हो गया तो हम आज बातचीत कर रहे हैं, मीडिया बेस पे बात कर रही है, ऐसे हजारों वीडियोस तो नहीं आ सकते ना, उन बेटियों के बारे में हम नहीं बात करेंगे क्या? तो वीडियो आना जरूरी भी नहीं है जी। हर बच्ची को हर बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए।
मैं इसमें यही कहना चाहूंगी कि जल्द से जल्द इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, ठीक है बरखा जी, आपके पास लौटूंगी। रूपा पांडे भी हमारे साथ जुड़े हैं। रूपा मैम, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री का जो ये बयान सामने आया है कि बेटी और बहन को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहा होगा, इस बयान का कितना इम्पैक्ट अब और ज्यादा पड़ता हुआ उत्तर प्रदेश में नजर आएगा? देखिए, इन बयानों का अगर मुख्यमंत्री जी द्वारा ये बयान दिए जा रहे हैं, इस तरह के उन्हें उनकी दहाड़ निकल रही है, मैं दहाड़ बोलूंगी, तो इसका असर तो बहुत व्यापक जाता है, खौफ बनता है। लेकिन सिर्फ बात न रह जाए, मुंह से कही हुई बात का धरातल पर कितना प्रभाव पड़ता है, पुलिस पर कितना असर होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया कि पुलिस अब बिल्कुल अपने पूरे दमखम पे आएगी और जो भी लड़कियों महिलाओं के साथ छेड़खानी करेगा उसे हवालात जाना पड़ेगा, यमराज साक्षात दिखेंगे जी। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात कही है मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन ये पुलिस अपनी एक छवि, जो देखिए समाज में पुलिस की छवि उस तरह की बनी है कि ये सड़क पर नहीं दिखते हैं जी। सबसे बड़ी बात है, उस दिन सारी समस्याएं लगभग खत्म हो जाएंगी जब पुलिस सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा नजर आएगी, ना कि एयर कंडीशन कमरों में या कहीं पर इधर उधर अवैध वसूली के चक्कर में घूमती हुई। हमारी दुर्दशा सबसे ज्यादा ये है परिधि जी कि ज्यादा से ज्यादा पुलिस तो वसूली में लगी है ना। सुबह उसे उसे सब्जी मंडी पर जाना है, उसे गाड़ियों को रोकना है, उसकी एक तीखी नजर रहती है प्रदेश से बाहर से आई हुई गाड़ियां कौन सी है, कितना हम वसूल ले। तो जरा पुलिस अपनी इस वसूली वाले जो व्यस्तम शेड्यूल से बाहर आएगी जब ना, और वो ज्यादा से ज्यादा सड़क पर दिखेगी, पुलिस कर्मी ही क्यों, मैं तो कहूंगी आईएएस आईपीएस इन सब की नजर सड़क पर होनी चाहिए कि सड़क पर चल क्या रहा है। तब देखिए, मुझे तो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कहीं ना कहीं धरातल पर नजर आएगी, नहीं तो ये सब कोरे छलावे रह जाते हैं और निरंतर घटनाएं हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात, हम भी अपने ऊपर कुछ जिम्मेदारी लें, हम भी एक घटना पर उस वक्त तो आवाज उठाते हैं लेकिन ताबड़तोड़ होती दूसरी घटनाओं के आते ही हम पिछली घटनाओं को ऐसे भूल जाते हैं जैसे वो कभी हुई ही नहीं थी। तो मुझे लगता है समाज को जो पैरोकार है इसके, उनको आगे रहना होगा और तब ये आप कह सकती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ये एकदम दो टूक जो बात उन्होंने कही है इसका अपराधियों पर असर होगा, बड़ी बात है ये। ठीक है, ठीक है रूपा मैम, आपके पास आऊंगी फिर से। स्कंदिता मिश्रा हमारी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई है। स्कंदिता, मुख्यमंत्री का बयान आपने सुना कि किस तरीके से वो लगातार, अगर महिलाओं की सुरक्षा को जिक्र किया जाए तो हमेशा ही संवेदनशील मुख्यमंत्री नजर आते हैं। अब इस जो बयान मुख्यमंत्री का सामने आया है, इसके बाद से ही अगर महिलाओं से आपकी कुछ बातचीत हुई तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? और एक तस्वीर, जब मुख्यमंत्री ने कमान संभाली हुई उत्तर प्रदेश की, उससे पहले की जो तस्वीर थी और अभी की तस्वीर, महिला सुरक्षा के लिहाज किस तरीके की उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है स्कंदिता? बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से जब तक पीएम सरकार में आए हैं उसके बाद से जब महिलाओं से बातचीत की गई थी, योगी जी के सरकार में आने के बाद महिला सुरक्षा को लेकर कितना कुछ बताओ लखनऊ की महिलाओं को साफ तौर पर कहना था, लड़कियों को कहना था कि काफी हद तक जो है कानून व्यवस्था में सुधार देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से रेप केसेस आए दिन सामने आते थे, छेड़खानी के मामले सामने आते थे, उसमें कहीं ना कहीं रोक लगी है। अब इतने ज्यादा मामले नहीं सामने निकल कर आते हैं और खास करके अगर राजधानी लखनऊ की महिलाओं की जिनसे हमने बात करने की कोशिश की थी, उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि अब हमें सुरक्षित महसूस होता है, राजधानी में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम राज्यों से, की अलग अलग महिलाओं की बात करने की कोशिश की, यही था कि उनको सुरक्षित महसूस होता है और पहले से लेकर अब में काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। जिस तरीके से डिजिटल माध्यम से भी महिलाओं को सुरक्षा मिलती है, उनकी हेल्प की जाती है, चाहे 10 नंबर पे हेल्पलाइन की बात की जाए या वो ऐप पोर्टल की बात की जाए, यूथ की बात की जाए, तमाम तरीके से सुरक्षा है उसको लगातार बढ़ा दिया गया। और आप सब सीएम योगी आदित्यनाथ को इस तरीके का बयान दिया है कि अगर कोई भी माता बहनों के साथ छेड़खानी करेगा तो अगले मोहल्ले में उसको यमराज जो है वो तैयार मिलेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तौर पर पता चलता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो कितने ज्यादा सच्चे हैं।
महिला लेकर वो कितने ज्यादा सक्रिय है, जिस तरीके से वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिका में जैसी की घटना हुई, जब खेड़सानी का मामला सामने आया उसके बाद तत्काल मामले की संज्ञान लिया गया और जिस तरीके से आरोपियों को तुरंत उनको पुलिस द्वारा उसको एक्शन लिया गया और उसके तत्काल उनको जेल पहुंचाया गया, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पता चल रहा है कि पीएम योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा को लेकर कितने ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की महिलाओं का, खास करके कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों का मानना है कि काफी हद तक अब वो सुरक्षित महसूस करती हैं। जी बिल्कुल ठीक है सुस्कंदिता, आप मेरे साथ बने रहिएगा, बरखा मैम आपके पास आऊंगी। देखिए जिस तरीके से जब योगी आदित्यनाथ यूपी में सरकार में आए तो महिलाएं अब अपने आप को रक्षित महसूस करती है। पिछले सरकारों का हमने शासनकाल भी हमने देखा और इस सरकार का शासनकाल भी हमने देखा। अभी पिछले कुछ टाइम पहले ये घटना हुई अंबेडकर नगर में, जहां पर एक लड़की का दुपट्टा खींचते हैं जो मंचले और उसकी वो सड़क पर गिर जाती है, उसकी मौत हो जाती है। और ये जो घटना होती है इससे पहले ही उसके परिजनों ने, उस लड़की के परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री तो संवेदनशील है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, इस तरीके के कड़े बयान और लगातार जिस तरीके से जो इम्पैक्ट है उनके बयानों का वो भी देखने को मिलता है, लेकिन क्या सरकार और पुलिस के जो बीच का जो सामंजस्य है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है? क्यों पुलिस अभी इस पर एक्शन क्यों नहीं ले लेती है जल्द से ही, क्योंकि मुख्यमंत्री तो लगातार कहते हैं कि जल्द से एक्शन लिया जाए, आरोपियों को पकड़ा जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, और वो कहीं ना कहीं देखने को भी मिलता है। थोड़ा सा अभी भी सिस्टम में लैप्स है, सिस्टम में फेलियर है, पुलिस को बहुत टाइम लग जाता है जांच करने में, यहाँ तक कि जो वीडियोस भी होती हैं तो कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो बहुत बड़ी है, इसीलिए मैंने अभी मेंशन किया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जल्दी से इन मुकदमों को भेजा जाना चाहिए और वहां जल्द से जल्द इनको कड़ी से कड़ी, मैं फांसी की सजा नहीं कह रही, हर केस टू केस डिफर करता है, लेकिन कड़ी से कड़ी सजा जब तक नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता है क्रिमिनल्स को पता है, ये क्रिमिनल्स को पता है कि बच्ची मर गई, बच्ची का रेप भी कर दिया, बच्ची मर भी जाए, कुछ भी हो जाए तो इन्हें बचाने वाले बहुत हैं, इन्हें इतने सारे दाव पेच है कानून में, क्यों कानून की तरीके से, और जितने बड़े बड़े लॉयर्स हैं उनकी बड़ी बड़ी फीसें हैं, इनको बचाने वाले जो इनकी पॉलिटिकल आका है, जो इन्हें संरक्षण देते हैं, जो इन्हें इस काम पे बढ़ावा देते हैं, जात धर्म देख करके जो ऐसे कामों को तूल देते हैं और ऐसे कामों को बाद में अंजाम होने के बाद भी उन कल्प्रिट्स को बचाते हैं, उन्हें चिंतित करना पड़ेगा, सिस्टम को पूरा ओवरहॉल करने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ जी ने तो अपनी बात कह दी और उनकी दमदार आवाज में काफी दम भी है, उससे फर्क बहुत पड़ता है और आप जमीन आसमान का फर्क आप देख सकते हैं यूपी में, सभी देख सकते हैं, क्या पहले का लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए और अभी का लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए। बड़ा सवाल तो ये है कि अकेले योगी जी तो नहीं सब कुछ कर सकते, हम सबको मिलजुल करके इस काम को करना पड़ेगा, बिल्कुल, गैर सरकारी सरकारी संस्थाएं सभी को, बेटियों के साथ आप सेलेक्टिव आउटरीच मत करिए, कलेक्टिव आउटरीच करिए, उनकी सुरक्षा की बात मैनिफेस्टो में लिखनी नहीं है, उसे करके दिखाना, उसे इम्प्लीमेंट करिए, वो बहुत जरूरी है। बात सिर्फ एक हादसे की नहीं है, एक हादसे के बाद क्या दूसरा हादसा नहीं होता, लगातार आप हर रोज देख लीजिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होता रहता है और इन मंचलों को शय मिलती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें अंजाम पे नहीं पहुंचाया जाएगा, वो बेल पे बाहर आ जाएंगे, अपनी दूसरी लड़की को छेड़ रहे हो या फिर पहली वाली लड़की के पास वापस चले गए होंगे उसका मर्डर करने या उसे छेड़ने के लिए, तो उनके हौसले बुलंद होते जाते हैं, उन्हें हौसले जो है बुलंद नहीं होने चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, बिना सोचे बिना विचार इस पे जरूर होना चाहिए, कोर्ट विचार करे और कड़ी से कड़ी सजा तुरंत मिले। ज्यादा जब भी टाइम निकल जाता है ना तो ठंडे बस्ते में चला जाता है कि इसमें पुलिस की बहुत बड़ा रोल है, सबका बहुत बड़ा रोल है और हम सभी चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा पूरे देश में कायम रहे। जी चलिए ठीक है बरखा मैम, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, लेकिन इसी बीच लखनऊ के लोगों के आम जनता का इस बयान को लेकर क्या कुछ सोचना है और क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुरक्षित महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है जगह जगह पे गार्ड्स मौजूद रहते हैं, हर डिपार्टमेंट में हमने देखा है कि कोई ना कोई गार्ड मौजूद रहते हैं। कैंपस तो बहुत सेफ है, आप बाहर भी अगर जाते हो तो वो भी बहुत सेफ प्लेस है और यहाँ पे 1090 की हेल्पलाइन भी है, तो अगर कोई इशू होता है तो आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो और वो रिजॉल्व भी करते हैं और इवन फर्दर चेक भी करते हैं, आप ऐसा नहीं होता कि बस आपने फोन किया और वो तुरंत सुन के उसके बाद खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, वो बाद में भी आपको मतलब कॉल बैक करके चेक करते हैं। इस पे मतलब एक दो केसेस में मैंने देखा है कि उन्होंने ये काम किया है, उन्होंने सख्त कार्रवाई की है। सही किया। ओके,
हम सभी ने देखा है कि इससे पहले जो राज्य था उसमें ज़्यादा वुमेन सेफ नहीं थी, रात में तो क्या दिन में भी उतना नहीं सेफ थी, पर योगी जी के आने के बाद से दिन में बस में ट्रैवल करते समय हर टाइम हम लोग सेफ फील कर सकते हैं। मतलब जो कैंपस एनवायरनमेंट है वो तो सेफ है ही, और मार्केट एरियाज जो है, जी मैं मतलब कैंपस की अगर बात करूँ तो यहाँ भी सेफ बहुत अभी है चीज़ें, और अभी पहले हम लोग को कंप्लेन जो था वो रिटर्न पैटर्न पर देना होता था, तो अभी ये भी फैसिलिटी कि हम उसे ऑनलाइन वो कर सकते। और चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की ओर लौटेंगे, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रूपा पांडे मैम हैं। रूपा पांडे मैम आपके पास आऊंगी। देखिए जिस तरीके से आपने बरखा मैम को भी सुना और हमारे जो संवाददाता है स्कंदिता मिश्रा उनको भी सुना कि देखिए जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर स्कंदिता मिश्रा ने बातचीत भी की कि लोगों का कहना है कि जब से मुख्यमंत्री आए हैं योगी आदित्यनाथ हम सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को, लेकिन कहीं ना कहीं जो सवाल खड़ा वो पुलिस प्रशासन पर भी होता है कि आखिर जल्द से कार्रवाई क्यों नहीं होती है। मुख्यमंत्री तो संवेदनशील नजर आते हैं, लेकिन मैं एक आंकड़ा भी आपके सामने पेश करना चाहूंगी। ये एनसीआरबी का डेटा है, ये एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 2019 की तुलना में 2021 में महिला अपराधों में 6.2% की कमी आई है। तो अब मानते हैं आप कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कड़े बयानों के लिए जाने जाते हैं, वो जो कड़े बयान है उसका इम्पैक्ट साफ तौर पर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। निश्चित रूप से परिधि जी, देखिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी की क्षमता पर और उनकी सोच पर कोई प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। फायर ब्रांड नेता है और उनके उत्तर प्रदेश में आने के बाद अपराधों पर तो अंकुश लगा है जी। अब अपराध पूरी तरह खत्म कहीं नहीं हो पाते हैं, अंकुश ही लग पाता है, बिल्कुल तो अंकुश उन पर लगा है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली अभी भी सवालिया है। पुलिस अभी उतना अपनी पुराने शैली से निकल के आ नहीं पा रही है। तो अगर मुझे लगता है कि जिस तरह माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दहाड़ लगाते हैं कि अपराधियों पर नकेल कसी जाए, तो अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस भी उसी तरह उस चीज को ले लेगी तो निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में सुधार हो सकता है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी जी, देखिए महिलाओं को सुरक्षा, बेटी को सुरक्षा, 1090 वुमेन हेल्पलाइन और एंटी रोमियो स्क्वाड, ये सब ठीक है, ये योजनाएं आ रही हैं, ये कानून आ रहे हैं, ठीक है। मेरा बहुत दिनों से ये कहना है कि स्कूलों में सेल्फ डिफेंस की जो शिक्षा है वो कंपल्सरी कर दी जाए, बेटियों को स्वयं सक्षम कहते उनके दोनों हाथों में ही शक्ति दे दी जाए ना जी। तो उसकी एक जो प्रॉपर एक जो ट्रेनिंग होती है स्कूलों में ये शुरू हो जाए, और बीच बीच में पुलिस भी जाकर वहां पर निरीक्षण करे, बेटियों के साथ इस तरह के कार्यशाला करे कि कैसे वो, अगर कोई देखिए बहुत सारी घटनाएं होती है, शोहदे होते हैं, पीछा करते हैं, ना केवल पीछा करते हैं, तेजाब जैसी बहुत दर्दनाक घटनाएं भी हो जाती हैं। तो देखिए बेटियों को स्वयं में बहुत आत्मविश्वास के साथ भरना होगा, उनकी अब वो शक्ति है तो उनको शक्ति के स्रोत उनको बताए जाने चाहिए, उनका बल उन्हें याद दिलाया जाना चाहिए ना। तो इसके लिए प्रदेश सरकार को मैं यहाँ से आह्वान करूंगी न्यूज वन इंडिया के मंच से जी, कि अब समय आ गया है कि ये जो सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग है ये बिल्कुल अनिवार्य कर दी जाए हर स्कूल में बेटियों के लिए, और महिलाओं को भी प्रॉपर उनको लाइसेंस धारक होने लगे, ये बहुत बड़ी जरूरत है आज के समाज में, इससे भी भय व्याप्त होगा जी। जी चलिए ठीक है रूपा, मैं आपसे फिर से लौटूंगी, आपके पास कंदिता आपके पास आऊंगी। देखिए महिलाओं सुरक्षा को लेकर हमने बात की है, लेकिन एक सवाल थोड़ा सा अलग है मेरा आपसे। आप ग्राउंड जीरो पर लगातार रहती है, 24 का चुनाव है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली तो महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने बात कही थी, और अब 24 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का एक कड़ा जो रुख है देखने को मिल रहा है महिलाओं को लेकर, कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, तो क्या ये 24 के चुनाव के लिए भी इम्पैक्ट पड़ेगा, महिलाओं के जो वोट बैंक है उस पर असर डालेगा? बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से पीएम योगी आदित्यनाथ लगातार महिलाओं के लिए सुमन योजनाएं लेकर आ रहे हैं, सिर्फ कानून व्यवस्था सुधारने को लेकर ही नहीं बल्कि और भी तमाम सीटों में लेकर जिस तरीके से बात की जाए, उन्होंने 3 तलाक वाला मामला लेकर आए थे जिससे कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं का वोट बैंक है वो उनकी तरफ आकर्षित हुआ था। इसके अलावा आपको बता दें जो प्रधानमंत्री मोदी उज्ज्वला योजना लेकर आए थे उसके जरिए भी उन्होंने महिलाओं के
का जो बोर्ड वोट बैंक है वहाँ तक पहुँचने की पूरी कोशिश की थी, और जिसका कहीं ना कहीं प्रभाव भी पड़ा था। और अगर अब भी बात की जाए तो जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था को सुधारने को लेकर और जिस तरीके से वो लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर 2024 में कहीं ना कहीं 50% वोट बैंक जो कहा जाए, क्योंकि महिलाओं का 50% वोट बैंक होता है, उससे असर तो कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से महिलाओं से बात करने की कोशिश की, खास करके जो कॉलेज की छात्राएं हैं उनसे जब बात करने की कोशिश की, तो उनका साफ तौर पर कहना है की लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से मामला मुख्यमंत्री सरकार पहले के मुकाबले अब कम देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से कड़ी कार्रवाई की जाती है अपराधियों के खिलाफ, उससे कहीं ना कहीं महिलाओं की चेहरे खिलखिलाते हुए नजर आए। चलिए ठीक है स्कंदिता, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, और बरखा मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रूपा मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।